नमस्कार, आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 14 भाग 1 पढ़ लिया। भाग 1 में आपने जाना कि पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र में जैविक घटक क्या होते हैं, उत्पादकों के बारे में जाना, आपने उपभोक्ता के बारे में जाना, अपघटक के बारे में जाना, साथ ही आपने जाना कि पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा कि पारितंत्र दो प्रकार का होता है, स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में आपने जाना कि ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे वन पारितंत्र होता है, घास स्थल पारितंत्र होता है, मरुस्थलीय पारितंत्र होता है, कृत्रिम पारितंत्र होता है। जलीय पारितंत्र में आपने जाना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वच्छ जलीय पारितंत्र और दूसरा होता है समुद्री पारितंत्र। अब यहां पर आपको दोनों का एक एक उदाहरण दिया जाएगा। देखिए, आपको पता है कि दो पारितंत्र होते हैं, जलीय और स्थलीय। तो आपको एक उदाहरण समझाया जाएगा जलीय पारितंत्र का, हम आपको बताएंगे तालाब के पारितंत्र के बारे में कि तालाब में क्या क्या चीजें कैसे कैसे पाई जाती हैं, उत्पादक कौन होते हैं, उपभोक्ता कौन होते हैं, अपघटक कौन होते हैं। फिर आपको एक उदाहरण देंगे स्थलीय पारितंत्र का, जिसमें हम देंगे वन पारितंत्र के बारे में। तो आइए देखते हैं भाग दो के टॉपिक पर जलीय पारितंत्र का एक उदाहरण, किसका, स्वच्छ जलीय तालाब का पारितंत्र। ये डायरेक्टली आपके बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि एक स्वच्छ जलीय तालाब, एक स्वच्छ जलीय पारितंत्र का उदाहरण सहित वर्णन करिए, तो ये सीधे बोर्ड में पूछ लिया जाता है। और आपके नीट में दो क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, एक तो इनमें उत्पादक कौन होते हैं, तो बताए हैं पादप प्लवक होते हैं, दूसरा इसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, जंतु प्लवक होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, सॉरी जूप्लैंक्टन्स। आइए देखिए फिगर के माध्यम से हम आपको सीधे समझाते हैं, अभी बाकी चीजें लिखी हुई दिखाते हैं। ये है एक स्वच्छ जलीय पारितंत्र, स्वच्छ जलीय तालाब का पारितंत्र। तालाब है तो इसमें जलीय जीव ही पाए जाएंगे, ये एक तालाब है और इसमें जलीय जीव पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं। हमें किसी भी पारितंत्र के हमें जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में जानना होता है। जैविक घटक में हमें जानना होता है कि उसके उस पारितंत्र के उत्पादक कौन है, हमें जानना होता है इस पारितंत्र के उपभोक्ता कौन है, हमें जानना होता है कि इस पारितंत्र के अपघटक कौन है। जैविक कारक जान लिए, दूसरा हमें जानना होता है कि अजैविक घटक कौन है, सूर्य है, जल है, मृदा है, वायु है, ये अजैविक घटक होते हैं। पारितंत्र में हमें अजैविक घटक को उतना नहीं पढ़ना होता क्योंकि हम जानते हैं कि अजैविक घटक जो हैं वो हमेशा वही रहेंगे हर जगह पर, चाहे जल हो चाहे स्थल हो, अजैविक घटक तो वही पाए जाएंगे। लेकिन जैविक घटक अलग अलग पारितंत्र में अलग अलग होते हैं, जैसे जलीय पारितंत्र में जलीय जीव होंगे, स्थल पारितंत्र में स्थल जीव होंगे। यानी जलीय पारितंत्र में शेर नहीं पाया जाएगा, इसमें शेर नहीं होगा, और जंगल में मछली नहीं होगी, ठीक है। तो ये पारितंत्र है एक स्वच्छ जलीय तालाब का पारितंत्र, क्लियर है। आइए समझाते हैं इसमें जो आपको जानना है, इसमें जानना होता है आपको कि इनमें उत्पादक कौन होते हैं। उत्पादक प्रोड्यूसर्स होते हैं रूटेड प्लांट्स, लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं, पौधे तो होते ही हैं उत्पादक, लेकिन जो आपका नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि जलीय पारितंत्र में उत्पादक कौन होते हैं, तो ये वाला याद रखिएगा। पौधे तो होते ही हैं, जल में भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, नदियों में नहीं पाए जाते, समुद्रों में नहीं पाए जाते, वो अंडर वाटर जो पौधे देखते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। जो बड़े मात्रा में उत्पादक होते हैं समुद्र में या नदी में, वो यही होते हैं। कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, क्या कहते हैं? पादप प्लवक। अब ये तो छोटे मोटे तालाब होते हैं जिनमें कमल है, निम्फिया है, वोल्फिया है, ये सब पौधे पाए जाते हैं, तो वो वहां पर प्रोड्यूसर का काम करते हैं तालाबों में, झीलों में। लेकिन समुद्र में, नदियों में ये प्लांट्स उतने बड़े उत्पादक नहीं होते, इनसे भी बड़े उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स यानी पादप प्लवक। तो यहां पर तालाब के पारितंत्र में उत्पादक के रूप में पादप प्लवक पाए जाते हैं। और उदाहरण, अब पादप प्लवक कौन होते हैं, पादप प्लवक में क्या क्या आते हैं, डायटम्स आएगा, ये सब याद करिए। पादप प्लवक में डायटम्स आएंगे जो अपना भोजन बना लेते हैं, युगलीना आएगा जो अपना भोजन बना लेता है, स्पाइरोगायरा आएगा, सैवाल है स्पाइरोगायरा, ऑसिलेटोरिया आएगा, ऑसिलेटोरिया, एनाबिना आएगा, ये भी सवाल है, और जितने भी बीज ये हैं ब्लू ग्रीन एलगी सब आएंगे, ठीक। तो ये जो जीव होते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं और ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो पादप प्लवक कहलाते हैं। और
जलीय पारितंत्र में ये उत्पादक होते हैं, साथ ही साथ एक तालाब में उत्पादक के रूप में बहुत से पौधे पाए जाते हैं, जैसे वोल्फिया, निम्फिया और सिरेटोफिलम, वेलिसनेरिया, ऐसे बहुत सारे, कमल, सिंघाड़ा, ट्रैपा, लेमना, बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं जो जल के आवास के आसपास पाए जाते हैं। कुछ जल के अंदर होते हैं, कुछ सतह पर तैरते हैं, कुछ झील के इधर आसपास होंगे, तालाब के एकदम सटे हुए होंगे। तो अलग अलग प्रकार के पौधे उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं। अब इस तालाब के पारितंत्र में उपभोक्ता आएंगे, तो उपभोक्ता की भी अपनी कैटेगरी है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो तालाब के पारितंत्र में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वे जू प्लैंकटन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जंतु प्लवक। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन में स्थल पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव जैसे बकरी, हिरण, ये सब आते हैं, लेकिन जलीय पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता में जंतु प्लवक आते हैं। अब जंतु प्लवक क्या होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, कीड़े मकौड़े नहीं आते, छोटे आते हैं, ये सब आते हैं। कीड़े मकौड़े भी आते हैं जो इनको खाते हैं। उसके बाद आता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा कीड़े मकौड़े, मेंढक या छोटी मछलियां द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आती है, जो इनको खाती हैं प्राथमिक उपभोक्ता को। और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे आते हैं जो इनसे भी बड़े जीव होते हैं जो इनके खाते हैं। क्लियर है बात? जैसे टर्टल हो गया, या मछलियों को खाने वाली जो पक्षियां होती हैं, बगुला वगैरह। आपने पढ़ लिया तालाब के पारितंत्र में उत्पादक कौन होता है, पादप प्लवक, जैसे डायटम्स, युगलिना, स्पायरोगाइरा, आइसोलेटोरिया, एनाबिनान, ये सारे। आपने जाना कि उत्पादक के रूप में इनमें पौधे भी पाए जाते हैं, जैसे लेमना, वोल्फिया, निम्फिया, ट्रैपा, ये सारे। आपने पढ़ा कि उपभोक्ता इसमें क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जंतु प्लवक, द्वितीयक उपभोक्ता छोटे जीव जैसे मेंढक, मछली, और तृतीयक उपभोक्ता उनसे बड़ी मछली, कछुआ, मछली को खाने वाले बर्ड तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। यानी अभी आपने उत्पादक और उपभोक्ता पढ़ लिया, अब आता अपघटक। इनमें से किसी भी जीव के मरने वरने पर जो इनकी डेड बॉडी नीचे जाती है, यहां पर होते हैं डिकम्पोजर्स, यानी क्या होते हैं? अपघटक। ठीक है, अपघटक। और आपको मैंने बताया कि अपघटक में क्या होते हैं, मेनली बैक्टीरिया यानी जीवाणु और फंजाई, कवक होते हैं, जो यहां पर इन मरे हुए जीवों को सड़ाते हैं, गलाते हैं और उनसे कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ मुक्त करते हैं। क्लियर है बात? तो ये था आपका एक स्वच्छ जलीय पारितंत्र के बारे में। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? अगर आपका बोर्ड है तो बोर्ड में तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि एक स्वच्छ तालाब के पारितंत्र का वर्णन करिए। तो आप बताओगे कि एक स्वच्छ तालाब के पारितंत्र में निम्न जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में आप लिखोगे कि इनमें उत्पादक के रूप में जंतु प्लवक और अनेक पौधे पाए जाते हैं। आप लिखोगे प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में जंतु प्लवक होते हैं जो इन पौधों को खाते हैं या पादप प्लवकों को खाते हैं। फिर लिखोगे द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कीड़े मकौड़े, मेंढक, सांप, मछली, छोटी मछली आती हैं जो इनको खाती हैं प्राथमिक उपभोक्ता को। फिर लिखोगे तृतीयक उपभोक्ता में बड़ी मछलियां, कछुआ, मछलियों को खाने वाले पक्षियां आती हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता को खाती हैं। फिर लिखोगे कि अपघटक होते हैं जो इनके मृत अवशेष को अपघटित करते हैं। बस यही था स्वच्छ जलीय पारितंत्र। नीट में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? नीट में क्वेश्चन सीधे ये पूछा जाएगा कि जलीय पारितंत्र में या तालाब के, एक स्वच्छ तालाब के पारितंत्र में उत्पादक कौन होते हैं। ऑप्शन दिया रहेगा पादप प्लवक, तो आप पादप प्लवक लगाओगे, फाइटोप्लैंकटन। आपसे पूछा जा सकता है कि एक स्वच्छ जलीय पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में कौन होते हैं, तो आप बताओगे जंतु प्लवक यानी जो प्लैंकटन। क्लियर है बातें? यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, देख लीजिए। स्वच्छ जलीय तालाब का पारितंत्र। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र अपने आप में पूर्ण एवं एक स्वतः नियामक, सेल्फ रेगुलेटरी पारितंत्र होता है। देखिए क्यों कहते हैं सेल्फ रेगुलेटरी, इसमें किसी चीज को ऐड करने की जरूरत नहीं है। तालाब में जो जीव हैं वे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को खाते पीते हैं और खुशी पूर्वक अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। किसी और की इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती। इसमें दो घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक होते हैं
अब आपको बताए हैं कि उत्पादक की कई कैटेगरी है जिनमें पादप प्लवक होते हैं, पादप प्लवक होते हैं फाइटोप्लैंकटन जैसे डायटम्स, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, नीलहरित शैवाल और ऑसिलेटोरिया युगलिना, यानाबिना आदि। साथ ही उत्पादक के रूप में जल निमग्न पौधे होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि ये आपको याद करना होगा कि कौन से जल निमग्न पौधे होते हैं, कौन सतह पर तैरने वाले पौधे होते हैं, कौन ऐसे पौधे होते हैं कि जो सतह पर भी चढ़ते हैं, उनकी जड़ें कीचड़ में धंसी होती है। तो देखिए, जल निमग्न पौधे जो जल में डूबे होते हैं जैसे हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, सिरेटोफिलम आदि, जल के ऊपर तैरने वाले पौधे जैसे वोल्फिया, लैमना, पिस्टिया आदि, छिछले जल में जड़युक्त पौधे जैसे निम्फिया, ट्रैपा, कमल, ये सारे ठीक। जल स्थलीय पौधे जो उनके आसपास के स्थल पर पाए जाते हैं जैसे रेनकुलस और पॉलीगोनम आदि। उपभोक्ता के रूप में क्या होते हैं एक स्वच्छ जलीय पारितंत्र में यानी तालाब में उपभोक्ता के रूप में कौन होते हैं? तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं जो वहाँ के वनस्पतियों को खाते हैं, जिन्हें हम जंतु प्लवक कहते हैं। अब जंतु प्लवक के अंतर्गत कौन आता है? अमीबा, पैरामीसियम, डायनोफ्लाइजलेट्स आते हैं, कीटों के लार्वा आते हैं, एनलिड्स आते हैं, मोलस्क आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में ये तालाब में पाए जाने वे मांसाहारी जीव होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं जैसे कीड़े मकोड़े, मेंढक, छोटी मछलियाँ। तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं जैसे बड़ी मछलियां या मछलियों को खाने वाले पक्षी जैसे बगुला आदि। किसी भी तालाब में अपघटक पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो उस तालाब में रहने वाले जो जीव हैं उनके डेड होने पर उनके मृत अवशेषों को अपघटित करते हैं, अपघटन का काम करते हैं, जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। अब किसी भी पारितंत्र में चाहे जलीय हो चाहे स्थलीय, इनमें अजैविक कारक भी पाए जाएंगे। अजैविक कारक के रूप में सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश पाए जाते हैं। इन्हें वायु की आवश्यकता होती है, वायु अजैविक घटक होते हैं। इन्हें जल की आवश्यकता होती है, वो एक अजैविक घटक होता है। इन्हें मृदा की आवश्यकता होती है, वो भी एक घटक होता है, अजैविक कारक घटक होता है। तो अजैविक कारक ये होते हैं। तो अजैविक कारक तो लगभग चाहे स्थल हों चाहे जल हों सभी के लिए समान होते हैं। देखिए, अजैविक घटक क्या होते हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत तालाब में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम आदि आते हैं। ये पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इसके अतिरिक्त ताप, प्रकाश तथा जल के पीएच भी अजैविक घटकों के अंतर्गत आता है। ये हो गया एक स्वच्छ जलीय तालाब का पारितंत्र कि एक तालाब में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अब इसके बाद आता है, ये तो हो गया जलीय पारितंत्र का उदाहरण। अब आता है दूसरा स्थलीय पारितंत्र का उदाहरण, जिसमें हम देंगे वन पारितंत्र। एक वन में, एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में कि कौन उत्पादक होता है, कौन उपभोक्ता होता है और कौन अपघटक होता है, इसके बारे में पता ही आपको। एक वन में आपने जानते हैं कि जंगल में क्या होता है, बहुत सारे पौधे पाए जाएंगे, यानी वहां पर उत्पादक कौन होंगे? वहां पर उत्पादक होंगे साक, झाड़ी, वृक्ष, छोटे पौधे साक, झाड़ियों वाले पौधे झाड़ी, और जो बड़े वृक्ष होते हैं वे वृक्ष के कैटेगरी में आएंगे। ये सभी सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। चूंकि विभिन्न जलवायु में पाए जाने वाले वन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे समशीतोष्ण जलवायु में पर्णपाती वन पाया जाता है यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिनके पत्तियां झड़ती हैं फिर उगती हैं, और उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल रीजन होता है जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है तो वहां पर पत्तियां नहीं झड़ती पौधों की, वे वर्ष भर सदाबहार बने रहते हैं, वर्ष भर फूलते हैं, सदाबहार वन होते हैं। सदाबहार वन मतलब पूरे वर्ष वैसे ही बने रहते हैं, उनकी पत्तियां वगैरह कभी नहीं झड़ती। इन वनों में वृक्ष घने और इतने पास पास होते हैं कि एक प्रकार से छतरी सी बन जाती है इन जगहों पर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वृक्ष पाए जाएंगे तो उनमें भूमि के नीचे प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो वहां पर छायादार पौधे उगते हैं। नीचे की भूमि पर बहुत कम मात्रा में प्रकाश पहुंचता है। इन वनों में अधिपादप व आरोही पौधों की काफी संख्या मिलती है। इन वृक्षों के नीचे कुछ छोटे पेड़ भी उगाते हैं। कम प्रकाश और अत्यधिक नमी के कारण भूमि पर केवल मॉस, फर्न और छायाप्रिय पौधे ही उगते हैं। अब वन में उपभोक्ता होंगे। अब उपभोक्ता में कौन होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता होगा शाकाहारी जीव जैसे हिरण हो गया और खरगोश हो गया, चूहा हो गया, और बहुत से ऐसे जीव जो पौधों को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में वहां पर पाए जाएंगे। बंदर, गिलहरी, यानी जो पौधों को खाते हैं, कीट, चूहा, खरगोश, बंदर, गिलहरी, हिरण, गाय, चिड़िया, लंगूर, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता होंगे जो सिर्फ और सिर्फ
पौधों को खाते हैं, यानी शाकाहारी जीव होते हैं। अब कुछ ऐसे जीव होते हैं जो इनको खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं को, यानी चूहा, खरगोश, बंदर, गिलहरी, हिरण, इन सबको मार के खा जाते हैं, उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं का मार्ग खाते हैं, जैसे बिल्ली, तेंदुआ, भेड़िया, शेर, सियार, मेंढक, छिपकली आदि। तृतीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो चाहे द्वितीयक चाहे प्राथमिक किसी को भी मार्ग खा लेते हैं, इनको मार्ग खाने वाला कोई नहीं होता। तो यहाँ पर मनुष्य गलती से आ गया, यहाँ पर काट दीजिए, क्योंकि ये वन पारितंत्र है, वन में मनुष्य नहीं होंगे, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी के लिए हो सकते हैं, गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, देखा जाए तो अगर लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, नहीं लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, क्योंकि वन में अब तो नहीं पाए जाएंगे, आदिवासी पहले रहते थे अब नहीं रहते। लिख दोगे तो भी गलत नहीं कहलाएगा और नहीं लिखोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। तो वे सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। यहाँ पर मेरा ये रखने का मतलब यही था कि आप जानो कि मनुष्य तृतीयक उपभोक्ता के ही अंतर्गत आता है, द्वितीयक उपभोक्ता नहीं होता। प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं का उपयोग करते हैं, जैसे शेर, चीता, गिद्ध, अजगर आदि। अब जैसे जलीय पारितंत्र में वैसे स्थलीय पारितंत्र में अब घटक भी पाए जाएंगे ही पाए जाएंगे, क्योंकि स्थल पर भी जीव मृत होंगे, उनके अवशेषों को सड़ने गलने के लिए जीवों की जरूरत होगी। अपघटनकर्ता जीवाणु, कवक, केचुआ, ये सब पाए जाते हैं जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मृत शरीर का उपस्थित जटिल कार्बनिक को शरीर अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं और इस प्रकार से पौधों पदार्थों के चक्रण में सहायता करते हैं। ये देखिए एक वन पारिस्थितिक तंत्र को दर्शाया गया है। एक वन में प्रोड्यूसर के रूप में, उत्पादक के रूप में क्या पाया जाता है, पौधा पाया जाता है, अनेक प्रकार के पौधे होंगे और इनको खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक को खाएगा कोई तृतीयक उपभोक्ता। तो ये हो गया जैविक घटक, जिसमें आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आ जाता है। अपघटक भी पाए जाते हैं जो इनमें से सड़े गले पत्तियों को अपघटित करते हैं, इनके मृत अवशेषों को अपघटित करते हैं। अब आता है अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत ऑक्सीजन जो पौधे लेते हैं वायुमंडल से, यानी वायु अजैविक घटक है। प्रकाश का प्रयोग करते हैं, प्रकाश अजैविक घटक है। मृदा का प्रयोग करते हैं, ये अजैविक घटक है, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक दिया गया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स यानी इकोसिस्टम, कि सबसे नीचे होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी पौधे, इनको उपभोग करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर, इनको खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं तृतीयक उपभोक्ता यानी टर्शियरी कंज्यूमर। अब इनको एक लेवल में रखा जाता है जब, तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, इसे हम कहते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि उत्पादक होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और यहाँ पर जो ट्रॉफिक लेवल बोला गया है ना, ट्रॉफिक लेवल की हिंदी होती है पोषण स्तर, पोषण स्तर। तो पोषण स्तर में, प्रथम पोषण स्तर में, प्रथम पोषण स्तर में आते हैं पौधे यानी उत्पादक, और द्वितीय पोषण स्तर यानी सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, और तृतीय लेवल पे आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, और चौथे लेवल पर आता है, फोर्थ लेवल पे आता है तृतीयक उपभोक्ता। तो जानते क्वेश्चन कैसे फंसाते हैं, क्वेश्चन करेंगे किसी पारिस्थितिक तंत्र के तृतीय पोषण स्तर पर कौन से जीव आते हैं। तो जैसे ही देखते हैं तृतीय, तो आपको लगता है तृतीयक उपभोक्ता के बारे में पूछ रहा है, दनादन लगा दोगे सर्वाहारी शेर चीता, लेकिन नहीं। यहां पर देखिए तृतीय पोषण स्तर पर कौन आता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तृतीय पर आता है द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी जीव आते हैं, ठीक। यहां पर यह गलती होती है सबसे, मैंने भी गलती किया था, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं। हमने भी, हमसे भी जब पूछा गया था कि द्वितीय किसी पारितंत्र में द्वितीयक पोषण स्तर कौन होता है, तो द्वितीयक पोषण स्तर पर एक दो द्वितीयक पोषण स्तर पर सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर प्राथमिक उपभोक्ता आ जाता है। हम द्वितीयक शब्द सुनते ही कह दिए मांसाहारी जीव तो द्वितीय स्तर पर नहीं आता, द्वितीयक स्तर पर तो शाकाहारी जीव आता है ना, द्वितीयक स्तर बोला गया, उपभोक्ता नहीं बोला गया, और हमें लगा द्वितीयक स्तर पूछ रहे हैं मतलब द्वितीयक उपभोक्ता बोल रहे हैं, हम बोल दिए मांसाहारी, लेकिन द्वितीयक स्तर पर कौन आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये प्रथम पोषण स्तर है, ये द्वितीय पोषण स्तर है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे।
अगर आपसे कोई द्वितीय उपभोक्ता पूछता है तब आप बताओगे द्वितीय उपभोक्ता तो मांसाहारी होते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता कि द्वितीय पोषण स्तर बताओ तो द्वितीय पोषण स्तर ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। क्लियर हुआ सारी चीजें? अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं कि उत्पादक के रूप में फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में जूप्लैंक्टन, ग्रास ऊपर काऊ आता है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर बर्ड, फिशेज, वुल्फ आते हैं, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर मैन आता है, शेर आता है, लायन आता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक आता है कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत तो वे सारे पारितंत्र आते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए गए, जैसे हवाई अड्डे बनाए गए, यहाँ पर देखिए ये कृत्रिम रूप से बनाए गए, इतना नेचुरली इतना सुंदर थोड़े ना गार्डन वगैरह होता है, ये सब मनुष्य द्वारा बनाया गया। एक्वेरियम बनाया गया है, खेत खलियान है, ये सब मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जू बनाया गया है, ये सब कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉप फील्ड और जू वगैरह ये सभी कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आता है जो मनुष्य द्वारा बनाते हैं, प्राकृतिक नहीं होता। मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण में हेर फेर करके इसके फलस्वरूप एक नए पारितंत्र का निर्माण करता है जिसमें मनुष्य अधिक संलग्न होता है। ऐसे पारितंत्र को कृत्रिम पारितंत्र या मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं, जैसे कृषि भूमि पारितंत्र, जल जीवशाला, पार्क, मत्स्य पालन के लिए बनाए गए तालाब आदि। मानव निर्मित पारितंत्र बहुत सरल एवं कार्यक्षम होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र की तरह इनमें विविधता नहीं पाई जाती, कम विविधता होने के कारण यह एक अस्थायी तंत्र होता है जिसमें देखरेख की जरूरत पड़ जाती है। ठीक, बस आज का भी बस इतना ही। आपने जाना कि स्वच्छ जलीय पारितंत्र का उदाहरण और जलीय स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण में वन पारितंत्र के बारे में जाना, आपने पोषण स्तर के बारे में जाना कि प्रथम पोषण स्तर क्या होता है, द्वितीय पोषण स्तर क्या होता है, तृतीय पोषण स्तर क्या होता है, चतुर्थ पोषण स्तर क्या होता है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो होगा उत्पादकता, जिसके बारे में आपको आगे आप ही बताया जाएगा। कुछ क्वेश्चन है तब तक इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना, अपनी कॉपी में भी नोट करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि द्वितीयक पोषण स्तर पर कौन से जीव आते हैं, नेक्स्ट प्रथम पोषी स्तर पर कौन से जीव आते हैं। बस यही दो क्वेश्चन के आंसर आप दे दीजिएगा और बाकी जो भी टॉपिक है आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन दिस साथ। धन्यवाद।